इस वीडियो से ये तो पता चल गया है कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन इस अनप्रिडिक्टेबल लाइफ को सिक्योर करने का एक ही तरीका है, इंश्योरेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टार्टअप इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बाजार। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस। इट ऑफर्स प्रोडक्ट्स अक्रॉस लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, पेट इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स थ्रू इट्स ऑनलाइन पोर्टल। इसकी शुरुआत 2008 में याशीष दहिया, आलोक बंसल और अवनीश निर्जर ने करी थी। इनिशियली दे स्टार्टेड विद इंश्योरेंस कंपनी कंपैरिजन वेबसाइट, क्योंकि इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसपेरेंसी की काफी कमी थी। लेकिन क्या इनकी कंपनी ने पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाई? इस कंपनी के बिजनेस वेबसाइट के की ऑब्जेक्टिव्स हैं कस्टमर्स फर्स्ट, लेकिन क्या वाकई में इनके लिए कस्टमर्स रियली कम्स फर्स्ट? कस्टमर्स की माने तो कंपनी के कुछ पॉइंट्स वाकई में फायदेमंद है, जैसे फर्स्ट, ईज ऑफ नेविगेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण यूजर्स कैन इजीली डिस्कवर एंड कंपेयर पॉलिसी प्रोग्राम्स। दूसरा है सेवरल प्रोडक्ट एट वन प्लेस। हैविंग पार्टनरशिप्स विद 50 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज मेक्स इट easy for the users to compare and discover various investment policies. तीसरा है टोल फ्री चैट, यानी कि इनकी सर्विसेज 24 घंटे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। चौथा है सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड मार्केटिंग। टीवी एड्स और सोशल मीडियाज पे हमने काफी सारे पॉलिसी बाजार के एड्स देखे हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग अप्रोच। जब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो गलत क्या हुआ? इस कंपनी के काफी रिव्यूज में नेगेटिव पॉइंट्स भी कस्टमर्स ने शेयर किए हैं। कुछ कस्टमर्स इनकी कस्टमर केयर सेल्स एग्जीक्यूटिव से इतना परेशान हो गए कि एक्सप्लॉयटेशन के केस भी इन पर डाल रखे हैं। यही नहीं, नॉट ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू परचेज। इंश्योरेंस परचेज की पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, यानी कि कस्टमर्स को ऑफलाइन भी जाना पड़ता है। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस इज डिले इन देयर पेमेंट्स एंड नॉट ऑल द रिलेशनशिप मैनेजर्स आर गुड विद देयर वर्ड्स। तो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द पॉलिसी बाजार। अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, एज ऑफ मार्च 2021 इस कंपनी की वैल्यूएशन है $2.4 billion एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेवेन्यू, सो एज ऑफ मार्च 2020 इट्स रेवेन्यू इज $83 million। इसी के साथ इनका नेट प्रॉफिट है $34.9 million का। तो ये थी पॉलिसी बाजार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।